नमस्कार दर्शक मित्रों, फरी एक वार स्वागत है आपनो कार्यक्रम अतिथि में। अतिथि एटले के गेस्ट ऑफ द डे। गेस्ट ऑफ द डे में विशिष्ट व्यक्तित्व की मुलाकात करावे छे आपनी साथे अने तेमनी साथे वातो करीए छे अंतरंग। दर्शक मित्रों, आज एक एवा विशिष्ट व्यक्तित्व ने अमे आपनी समक्ष उपस्थित करवा जई रह्या छे के एमनुं नाम सांभळता ज एक टिपिकल चेहरो, एक टिपिकल अंदाज अने क्यांक 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 मार्मिक हास्य आपणा चेहरा पर आवी जाय। दर्शक मित्रों, हास्य कवि जयरे चर्चा थाय, जयरे विषय की बात थे, हास्य कविताओं विषय बात थाय, त्यारे पहलूज नाम जो कदाच याद आए तो है सुरेन्द्र शर्मा जी। सुरेन्द्र शर्मा जी एक एवो टिपिकल चेहरो, गंभीर चेहरो, सदंतर गंभीरता थी रहता, गंभीरता प्रदर्शित करता, तेमना मुखे थी गंभीरता टपकती हो, परंतु तेमना शब्दों में थी, तेमनी वातों में थी हास्यरस टपकतो हो। यस दर्शक मित्रों, मैं आज आपनी मुलाकात करवा जा रहा है जानीता हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी साथ। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सुरेंद्र जी, पहली बात यह आती है कि जब भी आप कविताएं करते, जब भी आपका नाम भी दिया जाता है, कहीं भी चर्चा होती है, जब भी सुरेंद्र शर्मा का नाम सुनते हैं, पहले ही वो चेहरा आ जाता है, बड़ी बड़ी आंखें, कहीं बाल आगे की प्रदेश में बहुत कम, साइड में ज्यादा बाल, और ऐसा चेहरा जो कि कभी सोच भी नहीं सकता कोई इंसान की ये चेहरा, इस मुख से जो भी आवाज निकलेगी, जो शब्द निकलेंगे, वो हंसा हंसा के आपको मार देंगे। ये चेहरे के पीछे क्या आप डरावना चेहरा रख के लोगों को हंसाते हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा पहाड़ों में से झरने निकलते हैं। अच्छा, जो अभी कैसे कह सकते हैं, बिल्कुल पत्थर की तरह से उसमें बड़े झरने निकलते हैं, उसमें से नदियां निकलती, पहाड़ों में से झरने निकलते, ये इस पहाड़ से सबसे पहले वो हास्य का झरना कब निकला था, कब लगा कि नहीं सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि बन सकता है, किसी ने तारीफ की होगी? मैं तो पहले दिन से ही, जब मैं पैदा हुआ था तब मैं रो रहा था, बाकी सब लोग हंस रहे थे। ओके, तो मैं तो शुरुआत उसी दिन से कर दी थी हंसाने की। ओके ओके, लिखने की बात आती है, जब भी आप अपनी कविता, आपकी रचनाएं लिखते हैं, आप पहली ऐसी कविता, पहली वाली जो सबसे ज्यादा अप्रिसिएट हुई हो और नहीं एस्टैब्लिश हो गया कि नहीं सुरेंद्र शर्मा जी, क्योंकि ये आपकी जो भी ये कौम है, मैं तो खास बोलूंगा एक जमात है हास्य कवियों में, उसमें एक दूसरे की खिंचाई बहुत आती है। कोई भी कोई अच्छी रचना है, कभी जाहिर में ओपन में तो बोल देंगे वाह 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 बहुत अच्छी रचना है सुनाते हैं, लेकिन बाहर जाके बोलते हैं बाद में इनको मत बुलाना, अगर ये आएंगे तो हम नहीं आएंगे। ऐसी कई बार घटनाएं भी हो चुकी है। ऐसी जमात में, ऐसे लोगों के बीच में आप अपना अव्वल दर्जे का नंबर कैसे बना पाए? नहीं, मैंने आज तक नहीं बना पाया। लोग समझते मैं अव्वल दर्जे का हूँ, लेकिन मैं तो नहीं मानता। ओके, ये आपकी मानता है? मैं नहीं मानता, नहीं है, अपनी मार्किंग खुद नहीं करनी चाहिए। ओके, जनता को मार्किंग करनी चाहिए, जनता मानती है तो ठीक है, नहीं मानती तो गलत है। आप अपने आप को कैसे कह सकते हैं कि मैं बढ़िया हूँ जब तक जनता नहीं माने, और वही होना चाहिए देश के अंदर। हम लोग सब अपनी मार्किंग खुद करते हैं, खुद ही पेपर देते हैं, खुद ही उसके नंबर देते हैं, तो हमें मालूम है कि कभी ये काम नहीं करना चाहिए। जिंदगी में मैंने आज तक ये नहीं सोचा कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है, कभी ये नहीं सोचा कि मंजिल क्या है, कोई मंजिल तय नहीं की, क्योंकि अगर आप मंजिल तय करते हैं और वो नहीं मिल पाए तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति कभी भी हास्य नहीं लिख सकता। और आपकी रुचि थी कि मुझे बस हास्य लिखना है, इसीलिए आपने कोई गोल नहीं बनाया? गोल बनाना भी नहीं चाहिए जिंदगी में, ये बिल्कुल ये बिल्कुल उल्टी बात हो गई। पूरी 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 दुनिया कहती है कि जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए, आप उनका पूरा विरोध करें कि गोल होना नहीं, आप गोल नहीं बनाना चाहिए, खुद गोल बनना चाहिए। लोग आपके बारे में क्या, मुझे वहां तक पहुंचना। ओके ओके ओके, गोल बनाना नहीं चाहिए, ऐसी अपनी आभा बनानी चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहिए ताकि लोग आपको गोल समझे और सोचे कि मुझे सुरेंद्र शर्मा जैसा हास्य कवि बनना है। रचना की बात पे मैं फिर आ जाता हूँ। सुरेंद्र जी, मेरा सवाल ये था इससे पहले वाले सवाल में कि पहली रचना ऐसी कौन सी थी कि जिसमें सही में लगा कि नहीं मैं हंसा सकता हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगा मैं हंसा सकता हूँ, पर वो रचनाएं तो हम आप कॉलेज में
हमारे दोस्त लोग थे आपस में। कौन से कॉलेज में स्टडी किया आपने? मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हरियाणा में? नहीं, दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर, जो कि आज देश का नंबर एक माना जाता है कॉमर्स के अंदर, जिसमें 98% पर नंबर मिलते हैं, एडमिशन होते हैं। okay. तो मैं सकल से मूर्ख दिखता हूँ, वैसे मूर्ख नहीं था। अच्छा, ये बात बताइए, आप दोस्तों के बीच में आपने अपनी रचना सुनाई? और कॉलेज में मतलब आपस में हम हंसी मजाक करते थे जी, और हंसी मजाक इस लेवल की करते थे कि सामने वाला मतलब घबरा करके भाग जाए, बर्दाश्त नहीं कर सके, उस लेवल तक करते थे। और जो बर्दाश्त कर पाता था वही हमारा दोस्त रह पाता था। कौन सबसे ज्यादा बड़ा शिकार कौन बनता था उस जमाने में? मैं ही बनता था दोस्तों का। ओके। हाँ, मैंने कभी किसी का शिकार नहीं किया, क्योंकि सारे मुझे ही बनाते थे। ओके। 8-9 लोग मिलकर के लगातार मेरे ही पीछे पड़े रहते थे, और उसको बर्दाश्त करता था, और बर्दाश्त करने में मुझे हास्य क्रिएट हुआ। यानी कहा जा सकता है एक टाइप का रैगिंग, रैगिंग होता था, रैगिंग मेरी होती थी, उस रैगिंग में मैंने हास्य सीखा। क्या 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 हुआ था रैगिंग में आपसे? क्या क्या आपको तकलीफें पहुंचा देते वो लोग, बातों से ताना देके? क्या जैसे सड़क पर भी जा रहे और जैसे कोई पीछे साथ में कुत्ता भी आ रहा है, तो कह रहे यार आज तो फैमिली के साथ घूम रहा है। ओके। मतलब एक पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ते थे कि कहीं भी आदमी के बचने की गुंजाइश हो, और कोई भी बात कहनी होती तो ये सोचना पड़ता था कि इसका जवाब क्या हो सकता है, और उस जवाब का भी ये क्या जवाब देंगे, और उसका भी जवाब आपके पास हो तो बोलो वरना चुप रहो। तो 8-9 सुबह से शाम तक हमारा यही रहता था, और उस चक्कर में मैं सेकंड ईयर में फेल भी हुआ कि 24 घंटे बस उसी में लगे रहते थे। और उसका सबसे मजेदार घटना ये है मेरी जिंदगी में कि जब मैं सेकंड ईयर में फेल हुआ तो 6 महीने बाद मेरे फादर को पता चला। Okay, okay. कि मैं फेल हो गया। Okay. और जिसने मेरे फादर से शिकायत की उसी ने आकर के मुझे बताया यार तुम्हारे फादर बड़े अजीब है। मैं क्या हुआ? बोले मैंने शिकायत की कि तुम्हारा बेटा जो है वो फेल हो गया सेकंड ईयर में। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो तो बिल्कुल कोई बाप ऐसे दे ही नहीं सकता। मैंने क्या जवाब दिया? उन्होंने यही कहा कि बोले इम्तहान कोई कुंभ का मेला है क्या, 12 साल बाद आएगा, अगले साल फिर पास कर लेगा। सो इजीली उन्होंने लिया। आज 5वीं क्लास के बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? माँ बाप ने उनकी जिंदगी में तनाव डाल रखा है, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ पास होना और 90% नंबर लाना ही महत्वपूर्ण है। जिंदगी में अनपढ़ लोगों ने कविताएं लिखी है, पढ़े लिखे लोगों ने उन पर PhD की है, अनपढ़ लोगों ने भी इतने बड़े बड़े काम किए। 5वीं क्लास या प्राइमरी स्कूल में मुझे आज तक कोई बच्चे ने नहीं देखा जिसने अपनी दीवारें गंदी की हो या दीवार पर कुछ लिखा हो, जबकि छोटे बच्चे होते हैं। और किसी कॉलेज में चले जाओ तो कोई दीवार ऐसी नहीं मिलती जिस पर कुछ लिखा हुआ नहीं हो। पढ़े लिखे लोग जब अपने कॉलेज की दीवारें गंदी करेंगे तो मुल्क संभालेंगे, तो मुल्क को भी गंदा करेंगे। तो हमने बच्चों को पढ़ाया नहीं है, एजुकेट किया है, लर्नेड नहीं बनाया। एजुकेशन और लर्निंग में बहुत 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 अंतर है, जो समझने वाला समझ सकता है कि एजुकेटेड नहीं बना, लर्नेड बनाना है हमको। जी बच्चों को लर्निंग बनाओ, लर्निंग बनाना चाहिए। बिल्कुल। अनपढ़ लोग जो है, बच्चे जो है माँ बाप के पांव छूते हैं, पढ़े लिखे बच्चे माँ बाप से हाथ मिलाते हैं कि अंकल से शेक हैंड करो, आपको शर्म आनी चाहिए। बच्चों को झुकना नहीं सिखाओगे तो बड़े आदमी नहीं बन सकते, तो आप बाद में वो आपसे भी अकड़ करके बात करें। और मैं तो एक मानना है, बच्चों को इतना लायक मत बनाओ कि आप उनके लायक नहीं रहो। आज जिन्होंने अपने बच्चों को लायक बना दिया वो अपने माँ बाप को पहचानने तक से इनकार करते। मैं 50% नंबर पर पास हुआ, लेकिन जिंदगी में कभी माँ बाप ने कुछ कह दिया तो उसके ऊपर मैंने सवाल नहीं उठाया कि ये काम नहीं हो सकता। ये जज्बा होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए। आपने बताया कि आजकल के माँ बाप की जो बच्चों से अपेक्षा है, कुछ कुछ उनका गोल बदल चुका है, अपने बच्चों से जो चाहते हैं वो। पहले आपने जो बताया कि कहीं संस्कार सिंचन की बात होती थी, अभी सिर्फ परसेंटेज से किसी बच्चे का मूल्यांकन होता है। कोई बच्चा कितना इंटेलिजेंट है वो बाकी दायरे में वो कितना अच्छा है वो नहीं देखा जाता, सिर्फ उसकी मार्कशीट। मैं आपको बताऊं, जो आप पढ़ते हो ना, कई एजुकेशन सिस्टम ऐसे हैं जो आप पढ़ते हो आपका एक पन्ना जिंदगी के काम में नहीं आता, आपका प्रैक्टिकल अनुभव काम में आता है, क्योंकि इस देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं बनाया गया।
ये आईटी की और डॉक्टर्स की वो एजुकेशन अलग बात है, लेकिन जो नॉर्मल बीए कर लो या एमए कर लो या एमकॉम कर लो, उसमें एक पन्ना आपकी ज़िंदगी के काम में नहीं आता। हमारे ज़माने में, आज के ज़माने में बच्चे पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं जानते, और हमारे ज़माने में पढ़ाई के अलावा सब कुछ जानते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, वो सब कुछ जानना काम आया। शर्मा जी, मैं आपको आपको यहीं रोकूंगा। दर्शक मित्रों, कदाच आपने लागतु हशे के अत्यारे मारी साथे जे गेस्ट बैठा है कोई शिक्षण शास्त्री साथे वात कर्या छे, कारण के बहुत भारे भारे वातो चाली रही छे के शिक्षण शास्त्री शिक्षण में सुधार शू होवो जोईए के रीते। पण फरीवार आपने याद दिलाड़ी दू के अत्यारे जे इंटरव्यू चाली रह्यो छे ते जाणीता हास्य कवि सुरेन्द्र शर्मा जी, इनकी भारे भारी बातों से शायद लगता होगा कि ये वही नहीं है, लेकिन ये वही है। अच्छी अच्छी बातें करेंगे, हंसने वाली बातें करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। તમે બહુ જ શાંતિથી એમની સાથે વાત કરવા છો, કોઈ પણ સંબંધમાં શંકા ના પ્રવેશ, સંબંધોમાં તો વોરંટી હોઈ શકે છે, તમે એમને પ્રેમ કરો છો, દરેક માણસ પાસે પોતાના સવાલનો જવાબ પોતે જ હોય છે। જો હું અંગત રીતે એવું માનું છું કે ના કહી શકાય, ના સહી શકાય, પણ પૂછી શકાય અંગતમાં। અંગત લાઈવ શો જુઓ દર ગુરુવારે બપોરે 2:30 કલાકે ફક્ત ગુજરાત ન્યૂઝ પર। દર્શક મિત્રો, બ્રેક પછી ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં। આજે અતિથિમાં ગેસ્ટ ઓફ ધ ડે માં આજે હાજર છે સુરેન્દ્ર શર્મા, જાણીતા હાસ્ય કવિ સુરેન્દ્ર શર્માજી। સુરેન્દ્રજી, બ્રેક પહેલે વાત ચાલતી હતી કે આપને બતા કે શિક્ષણ મુજબ મેં ભી ડર ગયા થા કે મેં કહી વહી સુરેન્દ્ર શર્માજી કો મિલને આયો કે જો હાસ્ય કવિ કે નામ સે જાનતે, લેકિન આપકી જો બાત હે બિલકુલ સહી હે કે આજ કી તારીખ મે સિસ્ટમ જો હે સિસ્ટમ બહોત બદલ ચુકા હે। સહી માયને મે જો લડકો સે જો ચાહીએ ઉસકે અલાવા બાકી સભી ચીજે ઉનકો સિખાઈ જાતી હે તાકિ વો એક અચ્છા કમાઉ બેટા બનતા હે ને કી અચ્છા माँ बाप को संभालने वाला जिसमें फीलिंग्स हो ऐसा बेटा। कहीं ना कहीं ये सिस्टम में बदलाव आना चाहिए। मैं फिर से आ जाता हूँ, आपने बताया कि आपके कॉलेज के फ्रेंड्स आपको बहुत ही परेशान करते थे, कैसे जवाब थोड़ी करते थे, मुझे एंजॉय कर होता था। आप एंजॉय कर देते, आप लेकिन 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 मैं नहीं मानता कि हरियाणा का ये बंदा, हरियाणा का उस वक्त का जब कॉलेज में थे उस वक्त का सुरेंद्र ये बातें इजीली तो मान नहीं लेता होगा, कैसे भी सामने प्रहार। तो जब वो अकेले अकेले मिलते थे तब मैं उनको निपटाता था। तभी तो मेरे ऊपर हमला करते थे वो। ओके। जब एक दो इकट्ठे हुए वो तब मैं उनके ऊपर हावी रहता था। जब वो इकट्ठे सारे मिल जाते थे तब वो मेरे ऊपर हावी रहते थे, तब वो मुझे कुछ बोलने नहीं देते थे, मैं कुछ जवाब देते, हाँ यार कोई ढंग की बात कर। ओके। कुछ भी आप कह दो, उन्होंने उसको उड़ा नहीं था, तो ऐसे में मैं चुप रहता था। जब इक्का दुक्का मिले तब जाकर के उनको सिलटाता था। ओके, नाउ अभी और एक बात और समझ लेना, मैं आज जितने भी माँ बाप है उनसे एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि जो आप संतानों के लिए कर रहे हो वो आपका फर्ज है, जो संतान आपके लिए करे उनका एहसान है आपके ऊपर, तब जाकर के खुश रहोगे, वरना सदा दुखी रहोगे जिंदगी। अगर आप भी सोच ले कि ये जो संतान मेरे लिए करने वाला है या करना चाहिए उसका फर्ज है, तभी जाके दुखी होने की नौबत आएगी। आप ये मान लो इसका एहसान है जो कर रहा है हमारे लिए, तब जाकर के आज के युग में, क्योंकि इस देश में जो सीरियल्स के माध्यम से या फिल्मों के माध्यम से जो समाज को तोड़ने की बात हो रही है वो इस मुल्क के लिए बहुत घातक है, और इस देश में कोई सरकार उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है कि एक परिवार के लेवल पर मुल्क को तोड़ा जा रहा है। जब परिवार टूट गया तो मुल्क कितना भी मजबूत कर लो आप, मुल्क कभी भी एक नहीं रह पाएगा, क्योंकि पहले आदमी परिवार से जुड़ेगा, फिर समाज से जुड़ेगा, तब जाकर देश से जुड़ पाएगा। अगर हम परिवार से नहीं जुड़ पाए तो देश से कभी भी नहीं। शर्मा जी, परिवार की बात आने वहीं पे आ जाता हूँ। ज्यादातर आपकी चार लाइनें में आपने अपनी धर्मपत्नी जी को बहुत ही कोसा है शायद मैं बोलूंगा, और उनको सेंट्रलाइज रख के आपने पूरी दुनिया को, जो भी आपकी कविता के चाहक है उन सबको हंसाया है।
मतलब रॉ मटेरियल कह सकते हैं कि आपका जो भी स्फुरित आपको करते हैं या एक अच्छी तरह से आप उनके रियल बयान करते हैं, क्या होता है ये? नहीं, मैं तो चाहता हूँ आपकी पत्नी के बारे में भी कहूँ, लेकिन आप इजाजत दो। बिल्कुल सही है, मुझे कोई भी लिख कर दे दे मेरी पत्नी के बारे में, बोल दो और पत्नी से रजामंदी लिया, फिर देखो मैं क्या खालू देता हूँ। अच्छा, यानी जैसे जैसे आपको भी लगता है कि मुझे भी गुस्सा, इसीलिए किसी का गुस्सा भी लेना नहीं चाहते, किसी और की पत्नी के बारे में बताने की वजह आप अपनी खुद की पत्नी के बारे में तो गुस्सा कर ही नहीं सकती, क्योंकि सारा पेमेंट वही लेती है। ओके, जब उसकी कमाई हो रही हो कोसने में तो काय को गुस्सा करेगी। ओके 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 ओके, चार लाइने की जब बात निकली, चार लाइने एक अंदाज बन गया था आपका, चार लाइने आप लिखने का, क्या शुरू से जब भी आप कविता लिखते थे क्या यही फॉर्मेट रहता था आपका, चार लाइने वाला? ये शुरू में रहा, अब वो इतना फॉर्मेट वो नहीं रहा, अब कुछ गंभीर कविताएं भी आ गई, कुछ राष्ट्रीय रचनाएं भी आ गई, कुछ मुल्क को जो तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं लोग उनके बारे में भी बात आ गई, कुछ राजनीति पर भी लिखने लग गया, कुछ समाज के ऊपर लिखने लग गया, क्योंकि जो लिखा जाता है समाज को जरूरत है उस पर लिखा जाता है। आज मैं परिवार पर जो बात कर रहा हूँ वो इसलिए बात कर रहा हूँ कि कई परिवारों की हंसी छिन गई है बच्चों की वजह से। पहले बच्चों की वजह से हंसी, बच्चे घर में किलकारी लाते थे, बच्चे घर में सिसकारी ला रहे हैं, तो अगर ये किलकारी लौट आए तो हर आदमी वैसे ही हंसता रहेगा। मैं हंसी दे दूंगा, 2 मिनट की दे दूंगा, 10 मिनट की दे दूंगा, बाकी वक्त के लिए। शर्मा जी, अगेन मैं चार लाइनें पे आ जाता हूँ कि चार लाइनें जब भी आपने लिखना शुरू किया, अगेन आपने बताया कि फॉर्मेट बदलता रहता है, कभी सांप्रत समस्या के ऊपर आप चार लाइनें लिखते हैं, कभी एक ऐसा कटाक्ष सटायर कर लेते हैं सांप्रदायिक भावना के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर भी आपने बहुत, देश को तोड़ने वाले जो भी ताकत है उनके ऊपर भी आपने बहुत सारा लिखा है। कभी 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 ऐसा हुआ है कि आपके जो भी कटाक्ष होता है, आप चार लाइनें लिखते हो, कभी कभी तो ऐसा कटाक्ष हो जाता है कि सामने वाला जो सही में अगर दो बार सोचे आपकी चार लाइनें लिखी हुई, शायद वो बदल भी सकता है और गुस्से भी हो सकता है। कभी भी ऐसा हुआ है कि आपने किसी नेता के बारे में कुछ बोला हो, कोई कटाक्ष किया हो, या ऐसे समाज को तोड़ने वाले जो भी वर्ग है उनके ऊपर कटाक्ष किया हो, तो वो नाराज हो कि आपके पास अपनी नाराजगी भी बताना है? नहीं, नाराजगी करके तो कोई भी नहीं आया, क्योंकि मेरा जो व्यंग होता है वो घायल करने वाला नहीं होता, जगाने वाला होता है। घायल करने वाला व्यंग हो तो आप नाराज हो सकते हैं, लेकिन जगाने वाला अगर कोई व्यंग है तो उस पर कोई भी नाराज नहीं हो सकता। व्यंग का मतलब ही है कि आप किसी को घायल नहीं करें बल्कि उसको सचेत करें। हमें किसी को, हम कोई क्षत्रिय नहीं है, हम चौकीदार हैं, हमें बता सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, इसको करो, ठीक करो। और मैं अगर किसी समस्या के ऊपर अगर खिलाफ बोलता भी हूँ, व्यवस्था के खिलाफ बोलता हूँ, तो ये नहीं कि मेरे पास हल नहीं हो, अगर हल होगा तो ही बोलूँगा। ओके 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 ओके, आप कोसते रहिए सरकार को, महंगाई के लिए कोसते रहिए, सब कुछ कोसते रहिए, लेकिन इसका हल है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो महंगाई कब तक कंट्रोल करेंगे आप? उस पर कोई चर्चा नहीं करने होती यार। इस देश में हर आदमी बेरोजगारी के बारे में बात करेगा, इस देश में हर आदमी गरीबी के बारे में बात करेगा। एक संजय गांधी का चुनाव क्या हार गए कि इस मुल्क में उसके बाद परिवार नियोजन पर बात ही होनी बंद हो गई? क्या मुल्क के नेता इतने डरपोक हैं कि एक अच्छे इश्यू पर कोई बैठ करके, आपस में बैठकर आप बात भी नहीं कर सकते? अगर इस देश में हम संजय गांधी की जो उसने पॉलिसी अपनाई थी परिवार नियोजन की, हम 80 करोड़ होते और इस मुल्क को आज 40 करोड़ माइनस करके देख लो, कहाँ महंगाई रहती हमारी और कहाँ हमारी समृद्धि पहुँचती? लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं, सब महंगाई का रोना। यार भी बढ़ेगी पॉपुलेशन तो महंगाई बढ़ेगी, किसी हालत नहीं रोक सकते आप। मूल रीजन जो है ये यही है, उस पर कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन बाकी मामले में बहुत सारी चर्चा। एक ऐसा ही इश्यू मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा शर्मा जी, कि क्या लगता है आपको, ये भाषा की बात है, जब भी चार लाइनें, जब सुरेंद्र शर्मा का शो होता है, हजारों की तादाद में लोग आते हैं, लाखों की तादाद में लोग आपकी कैसेट सुनते हैं, कैसेट देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, चर्चा भी करते हैं, डिस्कस की हिंदी भाषा को जागरूक रखते हैं, हिंदी भाषा को, हमारी जो मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, उनको जागरूक रखने का कार्य करते हैं। भाषा धीरे धीरे हमारी जो मातृभाषा हो या राष्ट्रभाषा हो
उनके प्रति भी धीरे धीरे आज की जनरेशन उनसे दूर होती जाती है, कहीं ना कहीं इंग्लिश कल्चर इस आक्रमण को कैसे रोका जा सकता है? नहीं, इसको रोका जा सकता, पर इसकी कमी क्या है वो देखना चाहिए पहले। हिंदी हमारा पेट नहीं भर पा रही है, इसलिए हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। आज एक व्यक्ति हिंदी में बीए कर ले या एमए कर ले, उसके पास नौकरी कौन सी है? इस देश में हिंदी में सरकार में फिर भी काम हो रहा है, लेकिन जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं, कौन सा हिंदी में अपना अकाउंट रख रहा है? कौन सा हिंदी में अपने लेटर पैड छपा रहा है? कौन सा हिंदी में अपने क्या नाम विवाह के निमंत्रण पत्र छपा? बातें करते हैं लेकिन सही में जब आचरण की बात आती है सब पीछे हट जाते। शर्मा जी यही मैं रोकूंगा। दर्शक मित्र, एक बहुत सूचक बात करी के जे भाषा तमने तमारू गुजरान चलावे छे, ए भाषा प्रत्ये तमे क्यारे गद्दारी नहीं करी शको, अने ए जे भाषा द्वारा ज तमारा परिवार नु, तमारा राज्य नु, तमारा शहर नु, कोई पण भाषा होय, ए भाषा ने ज्यारे तमे भूलता जाओ छो त्यारे स्वाभाविकपणे जे अमुक चिंतको छे ते चिंता करता होय छे। घणी बधी वातो करीए छे परंतु एक नानकडा ब्रेक बाद। તમે બહુ જ શાંતિથી એમની સાથે વાત કરવાનું કહો, કોઈ પણ સંબંધમાં શંકા ના પ્રવેશે, સંબંધોમાં તો વોરંટી હોઈ શકે છે, તમે એમને પ્રેમ કરો છો, દરેક માણસ પાસે પોતાના સવાલનો જવાબ પોતે જ હોય છે, જો હું અંગત રીતે એવું માનું છું કે ના કહી શકાય, ના સહી શકાય, પણ પૂછી શકાય અંગત રીતે। અંગત લાઈવ શો જુઓ દર ગુરુવારે બપોરે 2:30 કલાકે ફક્ત ગુજરાત ન્યૂઝ પર। દર્શક મિત્રો, ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં। આજે આપણી સાથે હાજર છે અંતરંગ વાતો કરવા માટે જાણીતા હાસ્ય કવિ સુરેન્દ્ર શર્માજી। સુરેન્દ્રજી, બ્રેક પહેલા આપને બતાવી કે ભાષા કે બારે મેં, ભાષા કી ચિંતા જો બિલકુલ સ્પષ્ટ તૌર સે દિખ રહી હૈ, આપકો ચિંતા ભી હૈ, આપ વ્યથિત ભી હૈ કે કહીં ના કહીં યે મર્ડર હો રહા હૈ ઓર ઇન્ટેન્સલી લોગ। મેરી બાત કો ગલત નહીં, મેં અંગ્રેજી ભાષા કે ખિલાફ નહીં, ક્યોંકિ અગર હમે ગ્લોબલાઇઝેશન મે જાના હૈ तो मैं अंतरराष्ट्रीय भाषा सीखनी पड़ेगी, लेकिन पर अपनी भाषा को इज्जत दे करके कि उसका इस्तेमाल हम तब करें जब हमारी जरूरत पड़े, जब हमें जरूरत नहीं हो तो हम वो भाषा का इस्तेमाल करें जो भाषा हमारा पेट भरती है, जो हम भाषा हमारे। आपने बताया बिल्कुल सही है कि जहां तक अभी जिस हिसाब से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है अंग्रेजी की बहुत जरूरत है, लेकिन इनकी इनका भोग लेकर नहीं हो सकता, अपनी मातृभाषा राष्ट्रभाषा का भोग लेकर नहीं हो सकता। पॉलिटिशियन की बात करें, अगेन आपने बोला कहने में और करने में बहुत ही अंतर होता है। जैसा आपने बताया कि अवार्ड फंक्शन होता है कोई हिंदी लेख के ऊपर, कोई लेखक के ऊपर, लेकिन चर्चा ऑडिटोरियम में होता है अंग्रेजी भाषा में, बिल्कुल ऐसी करनी कथनी में अंतर रखने वाले राजनेता के बारे में भी आपसे बात करना है। बहुत सारा व्यंग भी आपने किया, क्या लगता है आपको कि क्या कमजोरी है हमारे जो भी नेताओं में? मैं कह रहा हूं आज की तारीख में इस देश में एक ही गठबंधन सक्सेसफुल हो सकता है, वो हो सकता है भाजपा और कांग्रेस का। अगर ये दोनों मिल जाए तो सारी नहरें खत्म हो जाएंगी। क्यों? सौरभ दो नदियां बच जाएंगी और दोनों की एक ही प्रिंसिपल है, दोनों का, दोनों को सत्ता चाहिए, दोनों ढाई ढाई साल बांट लो, पर ये इतनी पार्टियों की ब्लैकमेलिंग तो बंद हो जाएगी। आज 100-100 पार्टियां इस मुल्क में एक एक आदमी के बेस पर चल रही हैं, तो वो ब्लैकमेलिंग बंद होनी चाहिए, मुल्क के साथ ब्लैकमेलिंग हो, दोनों राष्ट्र के उत्थान की बातें सोचें, दोनों राष्ट्र में इस मुल्क में जो आज कानून व्यवस्था है, 5-5 साल लड़की के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उस पर बात करें कि ऐसे निर्णय एक हफ्ते के अंदर होने चाहिए। जब तक राजा का डर नहीं होगा, जब तक कानून का डर नहीं होगा, ये सारी समस्याएं कानून के डर की वजह से।
इस मुल्क में आरक्षण की इतनी आग सुलगी हुई है, क्या पहले दिन नेताओं को यह नहीं दिखा कि आरक्षण सिर्फ गरीबी का होना चाहिए? 50% दे दो, 60% दे दो, कौन मना करता है कि इस मुल्क में कोई जाति गरीब नहीं होती, सिर्फ व्यक्ति गरीब होता है। कोई जाति पिछड़ी नहीं, सिर्फ व्यक्ति पिछड़ा होता है। आप आपने अपने राजनेता और पॉलिटिकल पार्टी को तो नसीहत दे दी कि आप दोनों जो भी है एक दूसरे के दुश्मन है, आपकी दुश्मनी में शायद इस देश को प्लीज बर्बाद मत करो। लेकिन लेकिन मेरा अगला सवाल यह है कि ऐसे राजनेता जो कि खुले हो चुके हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, ये बिल्कुल घिनौना खेल खेला हुआ है, अदालत में भी प्रूव हो चुका है, ऐसे राजनेता को अगेन हमारे ही मतदाता, हमारे ही नागरिक फिर से सर पे बिठा देते, क्या कहना चाहेंगे हमारी देश की जनता को भी? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इस देश की 100 करोड़ की जनता की मूर्खता और पागलपन की वजह से सब हुआ। अगर हम शुरू से ही हमने अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर दिया होता तो हर एक पार्टी ने अच्छे व्यक्ति को टिकट देनी शुरू कर दी होती, फिर इस देश में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग ही जीत कर आते। शर्मा जी अभी मैं एक एक राजनेता का हिंदुस्तान में जो भी वेल नोन पॉलिटिशियंस है, वेल नोन सेलिब्रिटीज है, उनका नाम बोलूंगा और उनके बारे में सिर्फ आपको एक दो लाइन में उनका विवरण करना है। आपका क्या? मैं ऐसा है, मेरा मैं व्यक्ति पर चोट नहीं करता, मैं प्रवृत्ति पर चोट करता हूँ, मैं राजनीति पर चोट करता हूँ, राजनीतिज्ञों पर चोट नहीं करता। राजनीति ठीक हो जाए तो राजनीतिज्ञ ठीक हो जाए। मैं नाम बोलूंगा, आपको जो भी ठीक लगे उसके हिसाब से आप उनको उपनाम दे सकते हैं। उपनाम नहीं, मैं इसलिए क्योंकि मैं किसी व्यक्ति के नाम पर चोट नहीं करता हूँ कभी, मैं टोटल एज राजनीति पर। तब मैं चार पंक्ति कह सकता हूँ उसके बारे में, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बिचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। क्या कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बिचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बिचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। तो दफना 2020 का माहौल बहुत जमा है सुरेंद्र जी, रात को देर तक जो मेरे हिसाब से कई लोग कार्टून नेटवर्क तो शायद बच्चे सो जाते हैं उस वक्त, जबकि ये फैशन टीवी देखने वाली प्रजा थी अभी साथ में फैमिली बैठ के 2020 एंजॉय कर रही है। कौन एंजॉय कर रहा है, क्या लगता है 2020 जो क्रिकेट है आपको किस तरह से उसको एनालाइज करें? 2020 का मैंने एक ही एनालाइज किया है कि जब पैसा मिलता जाता है, बढ़ता जाता है खिलाड़ियों को, तो वो रिस्क कम होता जाता है। पहले पैसा कम था 5 दिन का, फिर पैसा मिलने लगा तो 50-50 का हो गया। अब उन्हें लगा 50-50 में शरीर में चोट लग सकती तो 20-20 का कर दिया। आने वाले एक टाइम आएगा ये क्रिकेट इंडोर गेम हो जाएगा, सिर्फ टॉस खेल लिया जाएगा। और वैसे भी मैं कहना चाहता हूँ इसमें इस 2020 से एक फायदा हुआ है कि जो विदेशी खिलाड़ी और हमारे खिलाड़ी आपस में मिलकर खेल रहे हैं तो एक आपसी भाईचारा बढ़ा है। और एक नुकसान हुआ है कि हमारे जो क्रिकेट के खिलाड़ी एक टीम जुट होकर के खेलते थे, अब वो जब देश के लिए खेलेंगे तो मेरे ख्याल से वो एकजुट वाली भावना खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत अच्छी बात है सुरेंद्र जी। अगर अगर सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि नहीं होते तो क्या मनुष्य होता? ओके, अच्छे मनुष्य बनना पसंद करते। गुजरात में आना जाना बहुत होता है आपका, जिस तरह से आपने पिछले 10-15 साल में गुजरात को डिफरेंट अलग अलग एंगल से पसार होते थे, आपने गुजरात में इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी देखा, आपने गुजरात में जो भी हादसे हुए वो भी देखा, हर वक्त रेगुलर पीरियडिकल आपका आना जाना रहता है, गुजरात के बारे में क्या चार लाइन कहना चाहेंगे? मुझे याद है जब भूकंप आया था आपका, ये मैं वहां गया भी था और पूरे मुल्क के लोगों ने जो कपड़े भेजे भूकंप पीड़ितों के लिए, मुझे लगा वो मूर्ख लोग हैं, क्योंकि गुजरात का व्यक्ति कोई दान लेना नहीं चाह रहा था, वो चाह रहा था जो मकान टूटे हैं या उसके लिए उससे गवर्नमेंट मदद कर दे या लोन दे दे। तो उन्होंने ऐसे कपड़े भेजे कि जैसे यहाँ पर कपड़े लेने के लिए लूट मचरी हो, जैसे वो भिखारियों को देते हैं, जैसे और प्रांतों में जो गरीबी के प्रांत में बाढ़ आती तो उस तरह खाने की सामग्री भेजते, उस तरह के लोगों के स्वाभिमानी लोग थे।
बहुत 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 अच्छी बात बताई सुरेंद्र जी, वक्त बहुत कम है हमारे साथ बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक मित्र आहती बात जाणीता हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी साथे, नॉर्मली फक्त ने फक्त तेमनी चार लाइन तेमनी कटाक्ष सांभळी, परंतु जे डेप्थ छे अलग अलग विषय नी अंदर सुरेंद्र जी ना विचारों तेनी रजू करवानो आजे एक अमारो नंबर प्रयास हतो। फरी मळीशुं नेक्स्ट एपिसोड में एक नवा अतिथि साथे, त्यां सुधी आपसे नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। Oh, 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 oh